अदर देन इंडियंस आराम से बाहर से लोग अदर कंट्रीज के आपसे सीखने के लिए आ रहे हैं जी 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 और उनको क्या चीज उसमें अच्छा लगता है? आई थिंक सो उनको जो सबसे बड़ी चीज लगती है वो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं थाली का कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है क्योंकि ये वो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं. वहाँ पे कोर्सेज मील होते हैं अलग अलग कोर्स मील आते हैं 5 courses, 7 courses डिपेंडिंग बट हम लोग एक ही थाली में एक ही बार बैठ के खाते हैं. ये एक कनेक्शन दिखाती है आपकी लाइफ से. हमारे यहाँ पे जब खाना खा रहे होते हैं तो हम हिलते नहीं हैं बातें नहीं करते जैसे कि अपन पहले बात कर रहे थे. हमारे लिए खाना खाने का जो समय है वो सेलिब्रेशन का टाइम नहीं होता वो बातों का टाइम नहीं होता. वो हमारे बड़े क्या कहा करते थे चुपचाप रहो खाने की तरफ ध्यान दो. क्यों? क्योंकि आपको कनेक्शन करना है उससे. जैसे कनेक्टिंग विद मदर अर्थ कहा जाए ये बिल्कुल वही है. मतलब आप इसको देखें आपकी एनर्जी उससे जुड़ेगी तो वो आपको उसका रिस्पांस दे पाएंगे जो खाना आपने खाया. जैसे कि मैं सद्गुरु को फॉलो करती हूँ मैं उनको बहुत उनकी चीज कहीं भी चीज़ें बहुत पढ़ती हूँ. उनकी एक बड़ी अच्छी सी लाइन है वो मुझे बहुत पसंद आई तो मैं हमेशा सबको बताती हूँ. वो कहते हैं कि ये जो खाना आप अभी खा रहे हैं ये किसी दिन एक लाइव एलिमेंट था ये जिंदगी थी एक लाइफ थी इसने अपनी लाइफ दे दी आपको लाइफ देने के लिए. सो ये आपकी लाइफ आपके सेल्स बन जाते हैं. जो चीज़ कभी एक प्लांट थी प्लांट से फल बनी फल से आपकी प्लेट में आई उसने कितनी लंबी जर्नी तय की और फिर आपने उसको बनाया सुंदर बनाया और उसको आप खाने बैठ रहे हैं तो आप उसको ग्रहण भी करें तो आप हम हिंदी अपने कल्चर में अपन कहते हैं या तो भोजन ग्रहण करें जल ग्रहण करें. ग्रहण करें ग्रहण करते हैं हम खाने को खाते नहीं हैं ग्रहण करना चाहिए जो कि हम भूल गए. तो मतलब बाहर में लोग कंट्री से जानना चाहते हैं हमारे ट्रेडिशंस को जी बिल्कुल एक्चुअल क्या कोर है हमारा वो ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं कैसे हम जमीन से एक्चुअली हम जुड़े हुए हैं और उस कोर को जानने के लिए वो आपसे कनेक्ट भी होते हैं. They are learning even. जी. और मुझे लगता है कि we Indians also need क्योंकि हम इतने fast food और Mexicans और पता नहीं Thai और fast food बहुत ज़्यादा उसमें variations में जा रहे हैं and we are forgetting this. हम actually सिर्फ ये सादा simple खाना simple सी दाल बनी हुई है लेकिन वो सब चीजें simplicity के साथ साथ एक connection भी है. आप आटा रोटी लगाने से ही सोच लीजिए आटा लगाते हैं आप. आटा लगाना किसी के लिए बड़ा काम नहीं है छोटा सा काम है. शायद दुनिया की सबसे आसान बनाने वाली आसान ब्रेड जिसे हम अंग्रेजी में ब्रेड बोलेंगे हमारे लिए तो ब्रेड नहीं है ये लेकिन हमारे लिए जो ये मेन हमारा खाना है वो चपाती है रोटी है. किसी दिन रोटी नहीं मिली बढ़िया से बढ़िया सब्जी आप किसी को सर्व कर दीजिए बढ़िया थाली बना के रख दीजिए कुछ भी बना के रख दीजिए रोटी कहाँ है गर्म रोटी कहाँ है. सो ये हमारे लिए सिर्फ एक मतलब एक फूड नहीं है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जरा सी चीज़ है पानी में आटा गोला और उसका आटा लगाया गरम गरम 5 मिनट में लो रोटी तैयार. जैसे हम घर में घुसते थे स्कूल से आए हैं मम्मी कहेगी भाई मम्मी भूख लग रही है क्या कहेगी मम्मी 10 मिनट बैठो ज़रा बन के आ रहा है बस फटाफट. आज उनके पास आधा घंटा है तो वो रोटी की जगह पूड़ी बना देंगी और थोड़ा सा है तो पूड़ी की जगह कचौड़ी बना देंगी. तो ये सिर्फ एक आपका इमोशन है और आपका डेडिकेशन भी है. ये आपका डेडिकेशन है फूड के प्रति डेडिकेशन लूज कर दिया हम भी धीरे धीरे करके कर रहे हैं. मुझे दुख होता है लेकिन शायद हम समझ जाएंगे शायद. मेरा तो यही मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ लोगों को ये भूलने नहीं दूँ. कहीं हरी सब्जी हो गई चावल बनाना है खाली चावल बना लीजिए नहीं तो फटाफट से दो रोटी सेक लीजिए. मतलब इसमें भी माइंड का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए माइंडसेट ही लोगों का एक्चुअल में जी एक्चुअली मतलब दुख की बात यही है कि हमने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट खो दिया. हाँ, कोई बड़ी चीजें नहीं है अगर माइंडसेट है अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस आयुर्वेदिक उसकी जो इम्पोर्टेंस है. आयुर्वेदिक क्यों मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारा तो सारा सिस्टम ही उससे बना हुआ. हम लोग तो सारी दुनिया उसके पीछे अब उसको जानना चाह रही है. हम तो समझे हुए हैं लेकिन हम भूल रहे हैं. तो जैसे मैं अपने घर आई तो मेरी सासू माँ ने मुझे नई चीज़ें सिखाई. मैं अपने मम्मी के यहाँ थी तो उन्होंने मुझे नई चीज़ें उनकी जो हाथ की थी तो मैंने अपनी थाली बना ली
मैं यूपी और राजस्थान को मिला दिया मैंने मैंने अपनी चीज़ें बनाई। आपने अपना इनोवेशन मेरा ये मेरी एक अपनी हाँ मतलब मेरा नज़रिया इसमें झलकता है। आज जो हमने हलवा बनाया है वो शकरकंदी का है शकरकंदी का हलवा है। ये जो आप मसाला देख रही हैं ये हमने आज बनाया है। जिमीकंद का नाम सुना हो शायद। हाँ, बिल्कुल जिमीकंद की तो है थोड़ा सा राजस्थान और यूपी आ गया। गाजर जाने वाली है सीजन से तो अभी आखिरी आज बढ़िया बढ़िया लाल लाल दिखी मुझे तो मैंने आज वो बना ली थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल तो थोड़ी थोड़ी जो जो आपको चीज़ें मिलती हैं उनका यूज़ करें। तो अब हम आजकल हमारे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं सारी दुनिया यही कहने लगी है कि जो इस समय का सीज़न हो वो खाओ। हमें यही सिखाया हमारी दादी नानी ने। हमारे जब घर से निकलते थे तो आज क्या लड्डू बने हुए हैं क्यों बने हुए हैं। अभी गोंद का सीज़न है ठंड का सीज़न है तो गोंद के लड्डू हैं। जब ठंड चली जाएगी तो गोंद बंद कर देंगे बिल्कुल क्यों क्योंकि वो आपको नुकसान करेंगे। तो ये सब बातें खाने में आती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ का सेंस नहीं है। तो मेरा तो बस यही एक इसके पीछे विचार है कि मैं ये सब चीज़ें दुनिया तक पहुंचा पाऊं। और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब बाहर के लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आपका खाना कितना साइंटिफिक भी है हीलिंग भी है वेलनेस से भी रिलेटेड है और आपका ट्रेडिशनल भी है। लेकिन बहुत सिंपल है ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सोचने का नज़रिया है। गर्मा गर्म रोटी आ जाए तो बस थाली कंप्लीट हो जाए। अच्छा पर एक चीज़ है जी कि थाली के जैसे हम बातें कर रहे हैं हाँ करते करते कहीं अगर देखा जाए तो ये रेगुलर हमारी लेडीज के एनवायरनमेंट में है और आपने इसको एक कॉन्सेप्ट दे दिया सिखाने का कॉन्सेप्ट दे दिया टीचिंग दे दिया जी। इट क्रिएट्स कि आपने अपना सेल्फ वर्थ आप जानते थे पर यही ट्रेडिशन में सारे फीमेल्स हैं पर दे आर फीलिंग कि अच्छा यार मैं सेल्फ वर्थ हूँ कि नहीं हूँ। पर मुझे लगता है कि आप और मैं ये जान देंगे वी आर बॉर्न पावरफुल तो व्हाट यू बिल्कुल बिल्कुल मेरे पीछे तो मेरे लिए तो जो चूल्हे पे बनाती हुई जो महिला है जो बढ़िया गर्मा गर्म रोटी बनाती है उसकी सेल्फ वर्थ उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है वो खुद वर्दी है। उसको अपनी वुमेन मतलब एज अ महिला होने की वर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर उसको ये लगता है कि वो कहीं उसकी वर्थ नहीं बन पा रही है तो वो इस वजह से नहीं क्योंकि वो चूल्हे के पीछे बैठी हुई है। लेकिन मैं इसके भी खिलाफत में हूँ कि लोग बाग ये कहते थे कि भाई अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि मुझे ऐसा लगना है शायद ये मेरे अपने विचार होंगे कि सिर्फ खाना खाने पे क्यों हमारी डिग्रेडेशन क्यों हुई खाने की तरफ हमारा रुख इतना ख़राब क्यों हुआ क्योंकि कहीं महिलाओं को इस सेल्फ वर्थ की लड़ाई में ये लगने लगा कि ये सब करना मेरे लिए मेरा समय की बर्बादी है। और जबकि पूरे घर को बांधने का तरीका जी बिल्कुल पूरे घर को पूरे घर की खूबसूरती उसका एनवायरमेंट उसकी हेल्थ हर जने पे सिर्फ वही हम क्यों हमें दुर्गा माँ कहते हैं दुर्गा क्यों है दुर्गा के 10 हाथ क्यों हैं क्योंकि महिलाएं वही हैं हम वही हैं दुर्गा हम ही है हमारा ही रूप अन्नपूर्णा बिल्कुल अन्नपूर्णा उसमें से एक है। तो हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। आदमी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं मेरे फादर बहुत अच्छा बहुत स्वाद का खाना बनाया करते थे कई कई बार जब उनका मन करेगा जब वो बना देते हैं। लेकिन एक महिला सेल्फलेसली डेडिकेशन के साथ आपको रोज खाना खिलाई क्योंकि वो तो आपकी रोज की जरूरत है और वो तो जिंदगी है आप कहाँ से जी बिल्कुल कहाँ से कहाँ अगर वो खाना नहीं बनाएंगी अगर वो अपना प्यार आपको इसमें रोटी में घी लगा के नहीं देंगी तो फिर आप कहाँ से बड़े आदमी बनेंगे। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ मेरी तो किसी की गर्मा गर्म आई चपाती में जो प्यार है उसकी तो बात ही अलग है। फाइन व्हाट इज दिस फूड कंसल्टेंट हाउ यू हैव डिसाइडेड टू वर्क एज अ फूड कंसल्टेंट। देखिए मैं जो कर रही हूँ वो बेसिकली क्योंकि मेरी रिसर्च थाली के बारे में बहुत रही है मैंने उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट भी किया है तो मेरा पूरा जो ध्यान था वो थाली की तरफ था। अब मैं
जो फूड कंसल्टेंसी दे रही हूँ वो भी मारवाड़ी थाली के लिए दे रही हूँ. सो क्योंकि ये एक मारवाड़ी थाली की जैसे बात करेंगे हम, जैसे हम पहले कह रहे थे, तो सब चीज़ अलग अलग है. हमारे खुद के संभाग में ही, हमारे राजस्थान में ही अलग अलग थालियाँ हैं, और मारवाड़ी लोग जो होते हैं उनकी थाली बहुत अलग है. आपने दाल बाटी चूरमा के बारे में ज़्यादा सुना है. मारवाड़ी थाली जो होती है उसमें और बहुत से व्यंजन होते हैं. सो मैंने अपनी जो मेरी रिसर्च रही, जो मेरा सारा वर्क रहा, वो उसकी तरफ रहा. मैं उसी का, उसी के, उसी नॉलेज को लेकर के ये फूड कंसल्टेंसी दे रही हूँ. तो ये एक रेस्टोरेंट है जो नवलगढ़ में आ रहा है, एक हेरिटेज होटल है. उनको मैं, उनके साथ में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है. वो तो वो जो नया अपना जो खाना परोसना चाहते हैं उसमें उस जगह की झलक होनी चाहिए. तो मैं वो अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर कर रही हूँ. एंड उस तरीके से मैं अपनी अपनी जो रेसिपीज़ हैं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं मारवाड़ीज़ के, वो मैं थोड़ा सा उनके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि हम इस तरीके का मेन्यू डेवलप कर पाएँ जो उस एरिया को दिखाता है कि वो एक्चुअली में वो एरिया क्या है, किन लोगों से उसकी हिस्ट्री बनी हुई है. सो वो काम उसके, इसको हम फूड कंसल्टेंट के तौर पर निभा रही हूँ. क्योंकि कई रेस्टोरेंट्स, रिसॉर्ट्स किसी ना किसी कॉन्सेप्ट्स के साथ में जी, ये एक तरीके से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्टुअल बात है. और वो भी जो जो वो खाने की जगह खोलना चाह रहे हैं वो भी एक कॉन्सेप्टुअल चीज़ है, और वो उसी चीज़ को दर्शाना चाहते हैं वहीं की, कि उस एरिया की, नवलगढ़ की क्या हिस्ट्री रही है वहाँ के, क्योंकि वहाँ के मारवाड़ी सारी दुनिया में जाके बसे हैं, लेकिन उनके खाने आज भी वही हैं. सो मारवाड़ियों की अच्छी बात है, आप वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, खाते वही थाली है, वो अपना ट्रेडिशन नहीं. बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक खाना जो है वो ऐसा ही बन के आए, घर से आए चाहे से घर में आके खाएं. अगर समय नहीं है तो घर से बन के टिफिन जाते हैं, वो ऐसे ही जाते हैं. आप खोलेंगे तो सब चीज़ें, व्यंजन लगे हुए आएंगे. ये एक, ये सिर्फ एक भूख मिटाने की चीज़ नहीं है, ये आपके जैसे हम, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ी हुई है. हम, आप हरे कृष्णा में बात करते हैं हम, तो वहाँ पे भी प्रभुपाद भी ये कहते हैं कि आप खाना क्यों, कृष्ण भगवान को हम इतने सारे भोग लगाते हैं, ऐसे 56 भोग क्यों लगते हैं. तो हम तो हर चीज़ में हम खाने को लेकर आते हैं, और थालियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी व्यंजन बनते हैं, लेकिन सब कुछ साथ में सर्व. तो भगवान भी ये कहते हैं, भगवान को भी लगता है कि आप, मतलब भगवान से जो आपका कनेक्शन है वो भी फूड के तौर पर वो सेलिब्रेट करते हैं, वो इस चीज़ को रेजोनेट करता है एक तरीके से. और अगर ये है, जितने भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, है ना, फेस्टिवल्स में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल थाली का कनेक्शन होता है, सब कुछ. आप दिवाली की थाली देखेंगे तो वो अलग होगी, होली की थाली होगी वो अलग होगी, राखी पे जो बनेगा वो अलग होगा. मींस यू आर आल्सो टीचिंग द फिक्स्ड, वो थाली सिस्टम पूरा फिक्स नहीं आप कर रहे हैं? नहीं, मैं, हाँ, जैसे जैसे हमारे महीने चल रहे होते हैं, जो भी हमें सामान बाजार में मिलता है या जो हमें कोई स्पेशलिटी चीज मिलती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले शीतलाष्टमी का त्यौहार गया है, तो उस पर जो थाली बनती है वो इतनी फ़र्क होती है हमारे आम खानों से. जो आप नवरात्रों में खाएंगे वो थाली बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्यों उसमें अनाज नहीं होगा, फ्रूट्स क्यों होंगे, फ्रूट से बने हुए आटे क्यों होंगे. हम कुटू सिंगाड़े के बारे में जानते हैं, दुनिया अब जानने लगी, हम हमेशा से जानते थे. सो हमारे लिए ये, मैं आपको यही, मतलब मेरा यही क्राइटेरिया है, लोगों को यही, मैं उनसे यही बात करती हूँ, और मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे ट्रेडिशन से हूँ जहाँ ये सब नॉलेज हमें हमारे घर से मिली है, विरासत में मिली है, और सिर्फ किताब में लिखी भी नहीं मिली है, रोज़ हमारे दिमाग में वो चीज़ सेट की गई धीरे 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 धीरे. आज आप दही खाओ, आज घर जा रहे, घर से सुबह सुबह के टाइम आप बढ़िया पराठे के साथ दही खाइए, उसका कोई रीज़न है, हर चीज़ का एक मतलब है. और ये जब इस पूरी जर्नी में आप चलने लगे जी, तो बिकॉज यू आर द सेल्फ लर्नर पर्सन जी, बिल्कुल, तो डिड यू फाइंड समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ, या कुछ एकदम से अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हाँ दिस इज व्हाट आई डिजायर्ड, और वो पूरी हो गई? हाँ, ऐसा कभी कभी लगता था, अभी भी कभी कभी लगता है, बट अब मुझे, मैंने वो चीज़ें अपनी, कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ ड्रीम्स थे वो अधूरे रह गए थे, वो कुछ पूरा करने की कोशिश करी. सो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हूँ, मतलब कलनरी कॉलेज से मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की है वो फाइन आर्ट से की, फिर मास्टर्स किया फिलोसफी से, और उसके बाद मैं अपने कुछ छोटा मोटा काम करने लगी, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए,
फिर ऐसे ही कुछ समय निकल गया, लेकिन मेरी कहीं इच्छा थी कि मैं प्रोफेशनल कोर्स करती, और कहीं कहीं मुझे लगता भी था कि ये एक चीज़ मेरे लिए बाधा भी बनती है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। चांस की बात कहिए कि अच्छी चांस की बात कहिए, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी कहें, अभी कोविड के टाइम जब सब घर बैठे हुए थे तो हम भी सब बंद कर कुरा के घर पे बैठे थे, कुछ कुछ पोस्ट करते रहते थे कभी कभी, बट उस समय जर्मन सरकार की तरफ से मेरे को छोटा सा एक ग्रांट मिला, क्योंकि मैं एक वुमेंस ग्रुप के साथ में अटैच हूँ, उनके साथ हमें जुड़ने का मौका मिला मुझे, और उन्होंने हमारे बिज़नेस को समझने की कोशिश करी, उन लोगों ने देखा कि जो महिलाएं हैं यहाँ इस कंट्री की, उन्होंने कोविड के दौरान कितना उनका नुकसान हुआ है, उनके कितने बिजनेसेस बंद हो गए, तो उन्होंने एक ग्रांट दी थी जो कि सेलेक्टेड लोगों को मिली, उसमें से मुझे एक छोटी सी ग्रांट मिली, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अब टाइम आया है शायद कुछ करने का, और मेरे को लगा कि मैं इस समय अपने आप को अपस्केल कर पाऊँ, क्योंकि वो समय था हम कुछ काम का नहीं था, लेकिन अपस्केलिंग का बहुत अच्छा टाइम मिला मुझे, तो मैंने अपने आप को थोड़ा स्किल करने की कोशिश करी, और मैंने एनरोल किया अपने आप को, न्यूजीलैंड कल्नरी स्कूल है, सो वहाँ से मैंने एक साल का डिप्लोमा किया, ऑनलाइन कोर्स था तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वहाँ से फिर मुझे फाइनली अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिला, जिससे मैं अपने आप को शेफ बोल पाऊँ। कांग्रेचुलेशन जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये तो है कि कोविड कई लोगों को एज अ ब्लेसिंग्स भी लेकर आया। देखिए, ब्लेसिंग्स तो समय जैसा भी था सब पे गुजरा, उस समय को आपने ब्लेसिंग बना लिया, क्योंकि आपको आगे बढ़ना जरूरी है, ये जीवन की एक बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा, आप जैसे फॉरेनर्स से मिल रहे हैं, अदर कंट्रीज से, सो एनीथिंग यू फील लर्निंग फ्रॉम देम, कुछ क्रक्स निकलता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है वो अब तलाश रहे हैं, वैसे तो वो तलाश में हैं, लेकिन उनको अपनी खुद के कल्चर की बहुत इम्पोर्टेंस है, जो हमें सीखनी पड़ेगी। हम अपनी लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने कल्चर को भी इतनी नहीं देते, देते हैं मतलब ठीक है, लेकिन शायद अंदर से, बहुत अंदर से कहीं हमको उसको, हम उसको, वो अंग्रेज़ी में एक बड़ा अच्छा सा शब्द है, जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बड़ा अच्छा सा शब्द है ये, मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं कुछ चीज़ों को, ये तो है हमारे पास, चलता है, ये मेरे पास है, ये तो सब मेरा ही है, कुछ बिल्कुल चलता है, ये तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, किसी ने गरम रोटी खिला दी तो वही बात आ जाती है, तो कोई करते ही फॉर ग्रांटेड है। सो ये सब चीज़ें हमने अपने कल्चर को ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, इतना रिच कल्चर है, सारी दुनिया इसकी तरफ देखती है, इसको समझना चाहती है, उनसे यही सीखा मैंने कि आप, हमें अपनी ही चीज़ों की कदर करनी पड़ेगी, हम सारी दुनिया को सिखा सकते हैं, और ये हमें वो सिखा रहे हैं कि आप ही के पास में है, ये सब कुछ हमारे पास ही है एज अ धरोहर, हम इसको धरोहर रखे हुए हैं, और ये हाँ, ये हमें उनसे ज़रूर सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने कंट्री को प्यार करें, मतलब इट गिव्स यू एनर्जी कि हाँ मुझे और सिखाना चाहिए। मुझे तो मैं जिनसे जब से मिलती हूँ तो उनके क्वेश्चंस आते हैं तो वो मुझे एक नई पर्सनैलिटी दे देते हैं, वो मुझे एक नया जीवन दे देते हैं, उस समय के लिए मैं एक नई पायल बन जाती हूँ उनके लिए, उनके साथ में, उनके कंट्री की, उनसे बातें करते हुए, मेरे लिए वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही खुशी का लम्हा होता है वो, मेरा जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है मेरा वो। And pile one more question, pickles I am hearing from you. जी, अभी ये नई खबर सुनी है मैंने। जी so, ये भी कुछ हमारे ट्रेडिशन से ही रिलेटेड बात हो गई, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम थाली में जरूर अचार जरूर सर्व करते हैं, बिना उसकी थाली थोड़ी सी इनकम्प्लीट मानी जाती है। सो ये मेरे मम्मी बहुत अच्छे अचार बनाते हैं, तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन लेकर के, मुझे लगा क्यों ना इनके अचारों को, मम्मी जो बनाते हैं उनके अचारों को हम थोड़ा सा सारी दुनिया के हर कोने में पहुंचाने की कोशिश करें, तो एक छोटा सा एफर्ट है कि हम कुछ दो चार महिलाओं को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ जो काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, उनको कुछ सिखा करके, थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग दे के, साथ में अपने साथ रख के हम थोड़ा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। आम के अचार हो गए, मिर्ची के अचार, लेसुआ, जो हमारे खुद के यहाँ के अभी ट्रेडिशनल हैं, अभी हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं, फिर कोशिश करेंगे थोड़े और जो अलग अलग वैरायटी के अचार भारतवर्ष में मिलते हैं उनको एक जगह लाने की, ये भी मेरी एक
पहल है, कोशिश है कि मैं सब तरीके के फ्लेवर, सब तरीके के अचारों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ला पाऊँ अपने ब्रांड में और बना करके सारी दुनिया में सर्व करने की कोशिश करूँ। मतलब बाजार के अचार और आपके बाजार में, मतलब आपके अचार, आपके बनाए अचार, उसमें बड़ा फर्क होता है। जी जी जी, क्या फील, मतलब हमको क्या फील हो कि वी शुड गेट अट्रैक्टेड। देखिए, हम जब बात कर रहे थे इन सब चीज़ों की कि हाथ से रोटी बनती है, खाना बनता है, हम एनर्जी की बात कर रहे थे। अचारों में एनर्जी जाती है। अचार बनाने के लिए सिर्फ एक दो घंटे का प्रोसेस नहीं चाहिए होता, उसके अंदर बहुत सारे इमोशन, एनर्जी जाती है। आपने देखा होगा कभी, जैसे अभी भी छोटे शहरों में अचार बनने के दिन जो होते हैं, तो हाँ, में बड़े तो लोग बाग कोई आएगा घर में हेल्प कराने के लिए, ऊपर आप सूख रहे हैं, कोई जार रखे हैं, कितना दिन तक उनको पाल पोस के बड़ा करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सिर्फ एक, सिर्फ वो, मैं सिर्फ वही कहना चाह रही हूँ, वो सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, उसमें आपकी एनर्जी जाती है जो कि आप इंडस्ट्रियल अचार में नहीं खा पाते। जब हम अचार बनाते हैं तो हमें उसका 7 दिन तक ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ध्यान से रखती है उस तरीके से। उसके अंदर वो एनर्जी जा रही है, वो आँखें जा रही हैं, वो फीलिंग जा रही है। जब आप किसी अपनी घर का बना हुआ अचार खाते हैं तो आप जानते हैं नानी ने कितना स्वाद बनाया है, क्यों, क्योंकि वो सोच के वो एनर्जी उसके अंदर चली गई। तो वो आप किसी के हाथ का बना हुआ अचार जब खाएंगे तो उसका फ़र्क ही अलग होता है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। सो हम लोगों ने अपने, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ तो मैं जयपुर को ही, जयपुर मेरे रग रग में बस गया है, इसीलिए हमने अपना ब्रांड का नाम भी जयपुर होम कुकिंग रखा है। मतलब पिकल्स का भी जयपुर होम कुकिंग ही, बिल्कुल रखा। बिल्कुल, इट्स नॉट अ डिफरेंट नेम, इट्स द सेम नेम। नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि सारी दुनिया में ये मशहूर हो कि जयपुर होम कुकिंग से बने हुए अचार जो होते हैं वो बड़े स्वादिष्ट और बड़े अनोखे होते हैं। इस तरीके से पायल, रियली इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू एंड रियली थैंकफुल। और मुझे ये चीज, मतलब क्या हो रहा है ना कि भूख लगी है। हाँ हाँ, देखकर, क्यों मेरे शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वैरायटीज और डिफरेंट हैं और मुझे लग रहा है कि वाकई में कई चीजें हैं जो हम भूल रहे हैं। जी, जी, और जी, हमको उस पर आना बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच पायल कि हमको याद दिलाया। थैंक यू सो मच, वी शुड बी बैक, और वो जो हमारा कोर है वो जरूरी है हमारे जिंदगी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्कार।